आपकी इंशाल्लाह समझ में आता है ये भारतीय संगीत है, अच्छा लगे तो जोर से क्लैपिंग कर देना और पूरी ऑडियंस से थोड़ा अंदाज भी समाप्त करवाइए। Yeah.
ये रहा हमारे साबिर पाक का मजा शरीफ। हम आ चुके हैं आप अलीगढ़ शरीफ। ये रहा मेन गेट एंट्री का, तो चलिए अंदर चलते हैं। ये रहा गोलर का पेड़। ये हमारा रहा सागरीय पार्क का मजा। हमारे साबिर पाक का मजा, बहुत सी सारी करामतें हैं जो बयां करते करते काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए जो है बयां नहीं कर रहे हैं, पहले वीडियो शूट कर रहे हैं। आप लोग को अगर आना है तो दिल्ली या बम्बई से कहीं से भी आप आएंगे तो सबसे पहले आपको रुड़की उतरना पड़ेगा। रुड़की उतरने के बाद में जो है आपको ऑटो करो टैक्सी करो कुछ भी करके अलीगढ़ शरीफ आ सकते हैं। 20-30 रुपये जो है किराया जाते हैं, तो आ सकते हैं आप जो भी आना चाहते हैं। बिहार, बस्ती, गोंडा, फैजाबाद, दिल्ली, मुंबई, कहीं से भी आपको आना है तो सबसे पहले उत्तराखंड रुड़की में आना है। हरिद्वार से पहले, तो हरिद्वार से पहले आप जब उतरेंगे और पड़ेगा रुड़की, वहाँ से उतर के आप टैक्सी करके आ सकते हैं। 15-20 मिनट जाएगा और 20-30 रुपए भाड़ा है, तो आराम से आप लोग आ सकते हैं। और ये सामने रहा मस्जिद, और ये रहा मजार शरीफ हमारे साबिर पाक की। हमारे साबिर पाक की करामत 12 साल तक जो है गोलर पकड़ के खड़े थे। ये रहा इनकी बहुत सी सारी करामतें हैं। अपनी जनाजा की नमाज खुद पढ़ाए हैं हमारे साबिर पाक कलेरी रहमतुल्लाह अलैह। जो लोग अर्जी लेके आते हैं उस पेड़ पे जो है लगाना पड़ता है। ये रहा अर्जी, वहाँ पे टांगा जाता है। ये रहा अंदर की एंट्री का गेट, लोग जा रहे हैं अंदर। आज जुमेरात का दिन है, आतिया पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सुबह का टाइम है, तकरीबन 6 बज रहे हैं। एक बार आपको दिखाते चलें, यहाँ पे चिराग जलाया जाता है। जो भी किसी को दुख मुसीबत परेशानियाँ हों यहाँ का तेल लगा सकते हैं। ये देखिए, ये दे रहे हैं। तो ये तेल लगाने से शिफा मिलता है। यहाँ पे अर्जी लगाया जाता है।
यहाँ ये जालियाँ पकड़ के जो है दुआ मांगी जाती है बाहर बैठ के, देख सकते हैं यहाँ पे हाजिरी भी लगी हुई है, ये देखिए ये सबकी हाजिरी लगी हुई है, जयंती भी हाजिरी लगी हुई है। जुमे रात के दिन तो काफी पब्लिक रहती है, लेकिन अभी सुबह के टाइम इसलिए पब्लिक कम है। आपको दिखाते चलें जो पीछे के साइड में यहाँ सब लेटने की जगह है, पीछे का साइड जो है यहाँ जो लोग आए रूम ना लेना चाहे यहाँ जो है रह सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ सब जितनी पल्ली बिछाई हुई हर चीज, ये देखिए यहाँ बाहर बिछा के सो भी सकते हैं, जो रूम नहीं ले सकते हैं उनके लिए है, और जो रूम लेना चाहते हैं उनको रूम मिल जाएगा गेस्ट हाउस में। ये रहा दरगाह के जो है लेफ्ट साइड में ये गेट गया है, वहाँ पे ये रहा दरगाह शरीफ, दिख रहा है आपको, वहाँ से जो है अंदर एंट्री मार के आके यहाँ आराम से रात बिता सकते हैं, तो कोई भाड़ा नहीं, कोई चार्जेस नहीं। ये रहा हमारा दरगाह शरीफ, दरगाह के बाजू में आके एक मजार शरीफ है, वहाँ कबूतर भी है, वहाँ दाना भी खिला सकते हैं आप लोग, तो ये सारे कबूतर थे, ये देखिए बहुत सारे कबूतर हैं। यहाँ आओ और इनसे चारा खरीद के और खिला सकते हैं, और जो भी ला के खिलाना चाहे वो खिला सकते हैं। काफी कबूतर नजर आ रहे हैं आपको, नीचे ऊपर सब बैठे नजर आएंगे आपको। मजार शरीफ के जस्ट बगल में भी जो है पीछे मजार शरीफ है, यहाँ भी सोने की जगह है, ये यहाँ अंदर भी ये देखो इनकी हाजिरी लगी है। ये देखिए बाजी तेरी पाँव में बाजी मालूम दे रही तेरी अब खराब।